हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम टॉपिक में या फिर आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। BTUP की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिसमें आप लोगों का जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टाइम टेबल का शेड्यूल है, बेसिकली टाइम टेबल का नहीं, जो आप लोगों का क्लासेस का शेड्यूल है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यानी आप लोगों की क्लासेस कब से होंगी दोस्तों, इसका पूरा जो है BTUP की तरफ से एक चार्ट मेंशन किया गया है, बताया गया है, जो कि आपके अजीत कुमार मिश्रा जी है, जो कि आप लोग BTUP के सचिव हैं। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें हैं जो नोटिस है आई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट नंबर पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। आइएगा दोस्तों, हम पहले सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा ये जो है किस पर्पज़ से ये जो है दिया गया है, हमारा जो टाइम टेबल है, यहाँ पे समय सारणी जो है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो विषम सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे इस क्लास को प्रॉपर, इस वीडियो को प्रॉपर विषम सेमेस्टर में बोलना चाहूँगा दोस्तों, पॉलीटेक्निक के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, कोई भी सेमेस्टर के हो दोस्तों, चाहे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, अभी बेसिकली इन लोगों का जो है क्लास अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, हमें लगता है एग्ज़ाम हो चुका है, अब इनका जो है काउंसलिंग सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। बट मैं बात करना चाहूँगा थर्ड सेमेस्टर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, एंड फिफ्थ सेमेस्टर, ये दोनों स्टूडेंट्स की जो है क्लासेस, मतलब ये दोनों सेमेस्टर की जो क्लासेस होंगी दोस्तों, आप लोगों की यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है कि आप लोगों का जो क्लास होगा मेरे भाई 16 अगस्त से लेकर, यहाँ पे देखिएगा इस वाले पॉइंट को देखिएगा, 16 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2023 तक आप लोगों की क्लासेज होंगी, पाठन का काम किया जाएगा। ठीक है, यानी क्लासेस हमारा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेंगी। ठीक है, ये दूसरी बात देखेंगे दोस्तों, यानी 16 अगस्त जो है क्लासेस आप लोगों की जो है स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों का जो है क्लास में आप लोगों को जाके पढ़ना होगा दोस्तों। और देखिएगा इस बार क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, यानी मान लीजिए फरवरी में पहले या एग्ज़ाम होता था, इस बार क्या होगा दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आइएगा अगला पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगली पॉइंट जो रहेगी यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छे में लिखा गया है कि नवप्रवेशित छात्र, यानी जो अभी एडमिशन ले रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बात किया जा रहा है 16 सितंबर 2023 से, मतलब इनकी क्लासेज जो हैं प्रारंभ होगी, सॉरी 15 सितंबर से। ठीक है, 15 सितंबर से इनकी क्लासेज जो होंगी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अभी आप लोगों को 16 अगस्त दिया जा रहा है, इन लोगों को 16 सितंबर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे फिर से वही, मतलब कि इनका जो है अक्टूबर से 10 नवंबर तक इनका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर 2023 से 10 नवंबर कंप्लीट इसमें कराया दिया जाएगा। ठीक, अगली बात किया जा रहा है परीक्षा शुल्क, इससे हमें कोई मतलब नहीं भाई, अपना फीस उस जमा करते रहिए, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और जो होगा फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, 15 सितंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक अपना फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, अगली बात ऑनलाइन पद्धति, जिसमें आपको फॉर्म भरने की जो डेट दी जाएगी दोस्तों, 15 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक इसमें रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र आप लोगों को कब जारी हो जाएगा दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि हमारा जो है अभी तो ये सारा फीस उस वाला फंडा हमसे क्या मतलब है, फीस अपना पे करते रहेंगे सर, पहले बताइए एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखिएगा मेरे भाई यहाँ पे 15 सितंबर, ठीक है, 15 दिसंबर है भाई, 15 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक आप लोगों का जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा। अच्छा भाई, मेरे यहाँ पे देखिएगा सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग जो होगी दोस्तों 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और 15 दिसंबर तक आप लोगों का ये पूरा काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है, क्या ये वाला, ठीक है, क्या लिखा गया है देखिएगा यहाँ पे, पढ़िएगा कि प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है, या परीक्षा क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन फीडिंग। ठीक है, ये आप लोगों का जो है सेशनल मार्क्स जो है 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे देखिएगा ये बहुत अच्छे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 27 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2023 तक आप लोगों का जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस बार हमारा एग्ज़ाम कब होना है भाई, तो यहाँ पे बताया गया है 27 दिसंबर से लेकर आप लोगों का, यानी हमारा दिसंबर के लास्ट वीक से और जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमारा पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम भी है दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पर आप लोगों की जो क्लासेस हैं आप लोगों को रन कर दी गई हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों के पास यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का जो है कंप्लीट सब्जेक्ट जो होगा, जो जो पढ़ना है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं सब्जेक्ट की बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा, कंप्लीटली मैं बात करूँगा तो 6 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा रहेगा मेरे भाई, मशीन रहेगा दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, EEEM रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहेगा, EIM रहेगा और मैथ थर्ड भी रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, मैथ थर्ड को आप लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा। एक कंप्लीटली आप लोगों का पेड कोर्स रहेगा दोस्तों, इसमें आप लोग क्या क्या मिलने वाला है, 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स देख पाओगे। ठीक है, अब देखिए 199 रुपये में क्या है दोस्तों, इसमें लाइव क्लास है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लास,
प्लस BOD है दोस्तों। अब BOD क्या है सर? BOD ठीक है, BOD क्या है मेरे भाई? BOD आपके जो सीनियर्स लोग पढ़ चुके हैं वही आप लोगों का फिर से क्लासेस जो है उसी में दिया जा रहा है, और लाइव क्लास तो अलग से चल ही रही है दोस्तों। मैं आप लोग बताना चाहूँगा इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन पर जाएंगे देखेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 चल रहा है दोस्तों, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। बहुत अच्छे पे मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चीज़ करा दिए गए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 2, आप लोगों का एक लेक्चर और बचा है, बाकी चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। EIM EEM की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, और इसके बाद हमारा बचेगा EIM मैथ में भी चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी हमारा जो सिलेबस है दोस्तों बहुत अच्छे में चल रहा है, बट आप लोगों को करना क्या है, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पर जाके एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट नाम ही है, आप लोग जानते ही हैं। अच्छा खासा आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर और एंड सिक्स सेमेस्टर में अच्छा खासा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में भी अच्छे से अपना जो है योगदान करेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, उदास ना हो भाई, इनके लिए बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि मैं फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में इनका जो है क्लास प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें रहेंगी दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें देखिएगा, आप लोग क्लास ज्वाइन करो या नहीं ना करो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ जो हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं दोस्तों हमारे पास 100% रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अब देखिएगा, इसमें रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें ऐसे ही फालतू में पढ़ा दी गई हैं, हर एक चीज़ को बस दोस्तों सारी चीज़ें आप लोगों को समझा के अच्छे से एक एक पॉइंट को समझा के सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता सका दोस्तों फाइनल ईयर में मैं बहुत अच्छे में पढ़ाता हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनका मतलब मार्कशीट वाली बात रहती है, ठीक है। कि मार्कशीट का मतलब क्या है सर, कि अगर जो भी स्टूडेंट्स इसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल यानी फाइनल ईयर की बात करना चाहेंगे, ठीक है, फाइनल ईयर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्लीट जो होगा आप लोगों के जो मार्क्स होंगे पूरा मार्कशीट पे लिखा रहता है, ठीक है। कि आपने SGP में कितना पाया, आपने मशीन में कितना पाया, आपने पावर सिस्टम में कितना पाया, सॉरी पावर सिस्टम नहीं बोलेंगे, यूटिलाइजेशन में कितना पाया दोस्तों, IMREE में कितना पाया, IMREM में कितना पाया, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का मशीन में 50 नंबर का रहेगा दोस्तों, 50 में आप लोगों को मैं बताया हूँ कि 45 नंबर तक के भी स्टूडेंट लाने वाले हैं, हमारे नोट्स को पढ़ के दोस्तों 45 नंबर मशीन से आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा SGP, ठीक है, SGP जो रहेगा दोस्तों, SGP बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लोर करके पढ़ाई गई है, जो कि आप लोग YouTube पे भी देख सकते हो दोस्तों, और एक मैम थी वो पढ़ा रही थी, तो उनका जो है लेक्चर मैंने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे लेक्चर को आप प्राइवेट कर दीजिए, तो मैंने उनका लेक्चर प्राइवेट कर दिया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इधर उधर मैटर हो गया जिसके कारण सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे SGP की कंप्लीट कोर्स आप लोगों को एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है दोस्तों और भी सिलेबस जो रहेगा, जैसे मैं PLC की बात करूँगा, PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, ये भी आप लोग कंप्लीट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इनके सारे। और दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे रहेगा दोस्तों एक हमारा है दोस्तों इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसे हम RSI बोलेंगे, ठीक है। RSI की अभी देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, आप लोग जल्दी से करिएगा। और दोस्तों एक सब्जेक्ट हमारा और बचता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है फिलहाल, एक मशीन हो गया, SGP हो गया, PLC, RSI, एक सब्जेक्ट और है भाई, ठीक है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना, हाँ IMR करके है दोस्तों, ठीक है, IMREM है, ठीक है, IMREM है, ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर में। इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर की कंप्लीट कोर्स की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे 249 में आप लोग कंप्लीट कोर्स को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, और आप लोगों का जो कोर्स है बहुत अच्छे में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आप लोग करना क्या है दोस्तों, जल्दी से स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा, अपने क्लास को इनरोल करिए, ठीक है, सारी कोर्सेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो चलेगा दोस्तों, आई होप हमने लगता है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कि आप लोगों को इसमें अवेयरनेस बताना था दोस्तों, कि आप लोग जान पाओ कि हमारा एग्जाम आखिर कब से होना है। दिसंबर में बोल रहा हूँ, दिसंबर के लास्ट तक दोस्तों, और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का एग्जाम इस बार हो जाना है, ठीक है। अब इस बार कोई कोरोना वोना वाला मैटर नहीं है कि और कुछ भी होगा, ऐसा मौसम खराब होगा तो आपका एग्जाम नहीं मतलब टल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलेगा मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।